डे टू चैलेंज हमारा क्वेश्चन था कि पीपल आर नॉट गोइंग टू यूजुअल डॉक्टर्स नाउअडेज एंड दे आर ट्राइंग ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ मेडिसिन. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑल्टरनेट मेडिसिन क्या है. ऑल्टरनेट मेडिसिन में आप ये सब ले सकते हैं, जैसे कि घर से लोग पेन किलर्स ले लेते हैं, होम रेमेडीज़ वो अपना लेते हैं, या फिर अगर हम बात करें होम्योपैथी की या आयुर्वेदा की, सो ये ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन हैं. तो अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो कुछ लोग का कहना है कि हॉस्पिटल के खर्चे से इन्हें बचाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट होता है क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत ओवरक्राउडेड रहते हैं. तो उनका कहना है कि पैसा भी बचता है, मनी बचता है, एनर्जी बचता है और टाइम भी बचता है, और बहुत बार रेमेडीज़ बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो देर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम. इंटरनेट पर भी बहुत सारे नॉलेज उनको गेन हो जाता है, इसलिए बेटर है कि वो डॉक्टर्स के पास ना जाएं. लेकिन दूसरी तरफ अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो डेफिनेटली ज़्यादा हैं. फिजिशियंस के पास ना जाना, मतलब डॉक्टर्स के पास ना जाना कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ, क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि ये छोटा सा हेडेक है एंड पीपल टेक पेन किलर, बट इट कैन प्रूव टू बी फेटल इन द लॉन्ग रन. फेटल मतलब जानलेवा. मोस्टली ये जो मेथड्स लोग ट्राई करते हैं, कभी कभी इवन होम रेमेडीज, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये छोटा सा हेडेक है बट बाद में इट कैन कन्वर्ट इट टू कैंसर और ब्रेन ट्यूमर. सो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए. ये मेथड साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है. सो इफ़ पीपल आर नॉट गोइंग टू फिजिशियन एंड दे आर टेकिंग ट्रीटमेंट ऑन देयर ओन, इट इज़ रियली गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल फॉर देयर हेल्थ. सो आई होप आपने ये पॉइंट्स लिखे होंगे. इसके अलावा भी कोई पॉइंट्स आपके दिमाग में आए हैं तो डू शेयर इट विथ मी. यू कैन राइट योर व्यूज इन द कॉमेंट बॉक्स. एंड योर डे थ्री चैलेंज, डे थ्री राइटिंग टास्क क्वेश्चन इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ, सो प्लीज़ गो एंड ट्राई दैट. थैंक यू.